फ्रेंड्स, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे परवल की सब्जी। तो ये देखिए, मैंने आधा किलो परवल लिया है और ये मैंने लिए थे 2 टमाटर जिसको मैंने चॉपर में इस तरीके से ग्रेट कर लिया है, और एक प्याज लिया था जिसको मैंने कट कर लिया है, और ये मैंने लिया था अदरक और लहसुन जिसको मैंने ग्रेट करके लिया है। तो सबसे पहले हम ये जो परवल हैं इसका पहले हल्का सा ये छिलका इसमें से अलग कर लेंगे, अच्छी तरीके से। इसे नहीं छीलना है, बस थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हल्का हल्का सा हल्के हाथ से हम इसे इसका छिलका है जो अलग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, और इसका ये जो तरीके से हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं अपने सारे परवल छीलकर तैयार कर लेती हूँ। देखिए मैंने इसे सारे अच्छे से छीलकर तैयार कर लिया है। अब इसमें इसको हम कट करते हैं, तो मैं इसमें से 4-4 पीसेस में कट कर लूँगी इस तरीके से। सारे परवल कट करके तैयार कर लेंगे। तो मैं तैयार कर लेती हूँ सारे कट कर। तो मैंने अपने सारे परवल कट करके तैयार कर लिए हैं। ये देखिए अब मैं गैस पर कढ़ाई रखती हूँ। गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 से 3 चम्मच ऑयल। अब इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपने परवल। पहले हम इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, तो मैं सारे परवल एक साथ ही फ्राई करूंगी। तो हम इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इस तरीके से फ्राई करने से बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। सिर्फ 1 मिनट ही फ्राई करना है हल्का सा। तो ये देखिए मैंने इन्हें 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है, बस इतना ही फ्राई करेंगे। अब मैंने कढ़ाई से निकाल देती हूँ, एक बर्तन में निकाल लेंगे। कढ़ाई में ही मैंने 2 से 3 चम्मच फिर से ऑयल लिया है। इसे भी अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग। इसे थोड़ा सा ब्राउन करेंगे जीरे को। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो मैंने कटा हुआ प्याज लिया था, और साथ ही ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन जो मैंने ग्रेट करके लिया था। अब इसे हम अच्छे से ब्राउन करने तक पकाएंगे प्याज लहसुन अदरक को। देखिए अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है। इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर के साथ मैंने 2 से 3 हरी मिर्च भी ग्रेट कर लिया था। ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसाले में ऐड करूँगी सबसे पहले हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें, और धनिया पाउडर। और इसमें ऐड करेंगे नमक। अब इसे हम अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। जब तक अच्छे से मसाले के ऊपर तेल नहीं आ जाता है तब तक हम इसे पकाएंगे। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। मसाला चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। ऑयल छोड़ दिया है साइड में इसने। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपने परवल, और मसाले में अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे। हमें इसे 1/2 मिनट के लिए इसी तरीके से मसाले में मिक्स करेंगे इसी तरीके से। मैंने इन्हें 1/2 मिनट के लिए मसाले में इसी तरीके से मिक्स करके पका लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी। पानी आप अपने हिसाब से लें। अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो करें, अगर आपको एकदम सूखी सब्जी बनानी है तो पानी ऐड ना करें। मैंने थोड़ा सा ग्रेवी बनानी है हल्का सा, इसलिए मैंने पानी ऐड किया है। अब इसे हम ढककर थोड़ी देर के लिए और पकाते हैं। चेक करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे परवल थोड़े से सॉफ्ट नहीं हुए हैं, तो इसे अच्छे से एक बार फिर से चला देते हैं और चेक करते हैं कि हमारे परवल अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं।
तो अभी परवल सॉफ्ट नहीं हुए हैं, थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसमें। तो इसमें हम ऐड कर देंगे आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए और ढक देती हूँ। करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। परवल भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे लास्ट में कटा हुआ हरा धनिया। बस अब हम गैस ऑफ कर देंगे और मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी परवल की सब्जी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार मेरे तरीके से बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।